इनिशियलाइज के हम प्रीवियस से क्वेश्चन सॉल्व करें और आई एम सॉल्व करेंगे आईएसएस 2020 स्टैटिस्टिक्स पेपर फॉर क्वेश्चन नंबर 4A क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो देखिए हमने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है, तो हम क्वेश्चन को अच्छे पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, डिस्कस अबाउट द डेटा सोर्स एंड द डेटा वेरिएबिलिटी यूज्ड बाय द डेमोग्राफर। हमें यहाँ पे जो डेटा का जो वाइटर सर्जी का जो डेटा है और जो सोर्सेस है इसके हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर है बड़ा होने वाला है, तो हम जो क्वेश्चन को मिटा देंगे और दोबारा क्वेश्चन लिख के हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए हमने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है, तो हम क्वेश्चन का आंसर को अच्छे से पढ़ लेंगे। द मेन सोर्सेस ऑफ डेमोग्राफिक डेटा इन इंडियन सिस्टम इज, पहला है वाइटल स्टैटिस्टिक रजिस्टर, द रिपोर्ट ऑफ ऑकरेंस ऑफ इंपॉर्टेंट वाइटल इवेंट लाइक बर्थ डेथ मैरिज डिवोर्स टू पोपस ऑथोरिटी इज अ लीगल रिक्वायरमेंट इन मोस्ट कंट्रीज। कोई भी वाइटल इवेंट जो हमारे लाइफ में होता है, बर्थ डेथ मैरिज डिवोर्स एडप्टेशन, उस सब का एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है ऑथोरिटी के पास और हमें सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। और ये जो रजिस्टर है एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉर वाइटल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है सेंसस, जिसके बारे में हमने सबने नाम सुन रखा है। इन मोस्ट कंट्रीज पॉपुलेशन सेंसस आर कंडक्टेड एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। इन इंडिया वी हैव एन डेसिमल सेंसस, मींस आफ्टर एवरी 10 ईयर ड्यूरिंग अ सेंसस द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन डिफरेंट एरिया एंड पर्टिकुलर रिगार्डिंग एज सेक्स एडुकेशन ऑक्यूपेशन इनकम रिलीजियस ईटीसी ऑफ द इंडिविजुअल आर रिकॉर्डेड। किसी भी सेंसस में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलता है, हमें ये पता चलता है कि एक एरिया में कितने लोग रहते हैं, हमें पता चलता है कि उस एरिया में रहने वाले लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है, एज क्या है, सेक्स क्या है, वो इनकम कितना होता है, वो सभी चीज का हमें पता चलता है। और देखिए क्या पता चलता है, सम इंफॉर्मेशन सेंसस में डायरेक्टली सप्लाई ऑन वाइटल इवेंट, फॉर एग्जाम्पल बाय गेटिंग फॉर ईच हाउस होल्ड पर्टिकुलरली रिगार्डिंग एनी बर्थ और डेथ दैट मे हैव ऑकर्ड इन द हाउस होल्ड इन द लास्ट वन ईयर पीरियड। जो सेंसस है वो बहुत सारे जो वाइटल इवेंट का डेटा सप्लाई करता है, जैसे कोई रिसेंट बर्थ हुआ है, किसी का जन्म हुआ है, किसी का डेथ हुआ है, वो उसको हमें सेंसस में पता चलता है। तो जो नेक्स्ट है वो है हॉस्पिटल रिकॉर्ड। एवरी हॉस्पिटल एज वेल एज हेल्थ सेंटर एंड नर्सिंग होम मेंटेन अ रिकॉर्ड फॉर ईच पेशेंट ऑफ सच पर्टिकुलर एज एज सेक्स ईटीसी ऑफ द पेशेंट द नेचर ऑफ इलनेस द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट एंड द आउटकम। कोई भी हॉस्पिटल नर्सिंग होम या हेल्थ सेंटर अपने पेशेंट्स का सारा रिकॉर्ड रखता है। क्या रिकॉर्ड रखता है, एज क्या था, क्या बीमारी था, क्या ट्रीटमेंट दिया गया, क्या आउटकम आया। देखिए हम जिस टाइम से जा रहे हैं कोविड के टाइम में, इस चीज़ को समझना बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए अब कोविड नया नया आया था, आईसीएमआर से सर्कुलर निकला, गाइडलाइन निकला कि हमें कौन कौन से मेडिसिन इनके ऊपर यूज़ करना है। इसके बाद उसका जो स्टडी किया गया हॉस्पिटल लेकर उसका उनका आउटकम स्टडी किया गया, इसके बाद उसमें एक्सक्लूड और इंक्लूड किया गया, नए नए मेडिसिन को इंक्लूड किया गया, पुराने जिनका बैड इफेक्ट था उनको एक्सक्लूड किया गया। ठीक है, हॉस्पिटल रिकॉर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉर वाइटल स्टैटिस्टिक्स। इससे हमें पता चलता है कि एक एरिया में किस तरह की बीमारियां ज़्यादा मिलती है और हमें किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसका जो लास्ट है वो है एडोक सर्वे। इन कंट्रीज विद डिफेक्टिव रजिस्ट्रेशन सिस्टम ओकेशनल सर्वे कंडक्टेड बाय डिफरेंट एजेंसी टू कलेक्ट डेटा ऑन वाइटल इवेंट। जिस देशों में मोस्टली डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्री में रजिस्ट्रेशन सिस्टम जहाँ पे अच्छे नहीं है वहाँ पे एडोक सर्वे किया जाता है डिफरेंट एजेंसी के द्वारा। कभी वो गवर्नमेंट एजेंसी करते हैं, वो प्राइवेट एजेंसी करते हैं, क्या पता करने के लिए, डिफरेंट वाइटल इवेंट पता करने के लिए। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाइटल इवेंट को समझने के लिए। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ, वीडियो का कन्फ्यूजन नहीं है। अगर वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप कैसे पूछिए, हम आपके डाउट क्लियर करने की, आपकी कन्फ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने में शेयर कीजिए और ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जब लेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।